वीवो आईपीएल 2020 की ऑक्शन की तैयारी सभी टीम जो कि जोरों शोरों से स्टार्ट कर चुकी है, और ऐसे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के बारे में। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे रॉयल चैलेंजर बैंगलोर ऐसे कौन से प्लेयर को जो कि अपनी टीम में शामिल करने के लिए वो पूरा एरी चोरी का जोर लगाने वाले, उनका इस करोड़ रुपये जो कि इन्वेस्ट करने वाले उन प्लेयर के पीछे। तो कैसे ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली, तो कैसे इस वीडियो को छोड़ के बिल्कुल मत जाइएगा। और कैसे अगर आप लोग रॉयल चैलेंजर बैंगलोर के बहुत बड़े वाले फैन है तो फटाफट पहले वीडियो को कर दीजिए लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे उसको आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो गाइस चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले जो खिलाड़ी यहां पे निकल कर आ रहे हैं गाइस एंड इनके पीछे गाइस अब आरसीबी जरूर भागने वाली है, उस खिलाड़ी का नाम है ग्लेन मैक्सवेल। अब ग्लेन मैक्सवेल के बारे में मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल के बारे में बहुत बार जो कि आप सभी को बता चुका हूं, एंड ऐसे में माइक हैसन ने जो भी इनके बारे में बताया था कि इस बार हम ग्लेन मैक्सवेल को जरूर टारगेट करेंगे। और ग्लेन मैक्सवेल जो कि अभी मानसिक स्थिति की वजह से थोड़ा अभी बाहर चोटिल चल रहे हैं, बट जब तक यहाँ पे आईपीएल आएगा तब तक गाइस हमें देखने को अवेलेबल मिल जाएंगे। और अगर यहाँ पे नहीं मिलते तो बहुत बड़ा झटका यहाँ पे लग सकता है जिस भी टीम में मैक्सवेल पिक होंगे। तो मुझे लगता है आरसीबी जरूर कोशिश करेगी ग्लेन मैक्सवेल को अपने टीम में शामिल करने के लिए। तो इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो गाइस चलिए अब दूसरे खिलाड़ी के बारे में बात करते हैं। तो गाइस दूसरे जो खिलाड़ी यहाँ पे निकल करेंगे उनका नाम है जेसन रॉय। जी हाँ गाइस, जेसन रॉय के पीछे आरसीबी जरूर भागेगी क्योंकि मैंने आप सभी को जैसे कि बताया था माइक हसन ने जो कि इंस्टाग्राम में एक वीडियो अपलोड किया था वो इस बार जो कि फैंस के डिमांड को पूरी तरीके से कंप्लीट करने की पूरा कोशिश करेंगे। तो गाइस फैंस भी बहुत सारे जो फैंस हैं बहुत सारे प्लेयर्स का जो कि नाम ले रहे हैं और इसमें सबसे ज्यादा जो नाम लिया जा रहे हैं उनका नाम है जेसन रॉय। और जेसन रॉय गाइस इस साल जिस टॉप क्लास फॉर्म में चल रहे ना ऐसे में बहुत सारी टीमें उनके पीछे भागने वाली है, बट मुझे जहां तक लगता है जिस तरीके से फैंस डिमांड कर रहे हैं और जिस तरीके से यहाँ पे प्लेयर को रिलीज किया गया है आरसीबी, तो इस बार डोमेस्टिक क्रिकेट के प्लेयर को ज्यादातर शामिल करने की कोशिश करेंगे। और जिस भी फॉरेनर्स प्लेयर को अगर आरसीबी टारगेट करेगी ना तो उनके पीछे वो पैसा बरसाने वाली है, मैं इतना गारंटी आपको बता सकता हूँ। और ऐसे में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर जेसन रॉय के पीछे भी बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करने वाली है। तो गाइस यहाँ पे मुझे लगता है जेसन रॉय के पीछे आरसीबी जरूर भागेगी। तो गाइस चलिए अब तीसरे खिलाड़ी के बारे में बात करते हैं। तो गाइस तीसरे खिलाड़ी जब पे निकल करा रहे हैं उनका नाम है मिचेल स्टार्क। मिचेल स्टार्क के पीछे आरसीबी भागेगी, वो पहले रिवील कर चुकी है माइक हैसन जो कि इंटरव्यू में भी वो कह चुके कि हम इस बार मिचेल स्टार्क ग्लेन मैक्सवेल के ऊपर पूरी तरीके से दाव खेलने वाले। और ऐसे में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर मिचेल स्टार्क के ऊपर भी पूरी तरीके से टारगेट करने वाली है और इनके पीछे भी करोड़ रुपए जो कि इन्वेस्ट करने वाली है। तो गाइस चलिए अब चौथे खिलाड़ी के बारे में बात करते हैं। तो गाइस चौथा खिलाड़ी जो पे निकल करा रहे उनका नाम है क्रिस मॉरिस। जी हाँ गाइस, क्रिस मॉरिस ऐसा ऑलराउंडर गाइस, उनके पास हमें ऐसा कोई हमें खास ऑलराउंडर आरसीबी में अभी देखने को नहीं मिला जो एकदम पूरा उलझा हुआ खिलाड़ी एकदम पुराना चावल हो, ऐसा कोई हमें खिलाड़ी आरसीबी में अभी मौजूद हमें नजर नहीं आ रहा। ओनली यहाँ पे वाशिंगटन सुंदर है लेकिन वो उतना पका हुआ चावल नहीं है, ओनली 2-3 सालों से आईपीएल में आए हैं आईपीएल खेल रहे हैं बट उतना भी पका हुआ चावल वो नहीं है। और ऐसे में क्रिस मॉरिस कैसे बड़े बड़े हिट पूरी तरीके से लगा सकते हैं, वाशिंगटन सुंदर उतना बड़ा बड़ा हिट नहीं लगा सकते और क्रिस मॉरिस चाहे तो कैसे लंबी पारी भी खेलने का दम रखते हैं। और ऐसे में ऑलराउंडर के पीछे कैसे ऐसे भी बहुत सारे टीमें इस बार भागेगी क्योंकि क्रिस मॉरिस जिस तरीके से रिलीज किया गया है ना दिल्ली कैपिटल, जिस तरीके उनको रिलीज किया दिल्ली कैपिटल्स भी चाहिए कि हम अपने टीम में क्रिस मॉरिस को फिर से यहाँ पे वेलकम करेंगे। लेकिन गाइस यहाँ पे मुझे लगता है दिल्ली कैपिटल्स बहुत बड़ी गलती की है और ऐसे में मुझे नहीं लगता कि दिल्ली कैपिटल फिर से उनको मौका मिलेगा क्रिस मॉरिस को वेलकम करने का। और ऐसे में रॉयल चैलेंजर बैंगलोर क्रिस मॉरिस के पीछे पूरी तरीके से यहाँ पे पड़ने वाली है एंड इनको अपनी टीम में शामिल करने के लिए पूरा एरी चोरी का भी दम लगाने वाले हैं। तो गाइस चलिए अब आखिरी खिलाड़ी के बारे में बात करते हैं। तो गाइस आखिरी जो खिलाड़ी निकल कर आ रहे हैं इनका नाम है क्रिस ग्रीन। जी हाँ गाइस, क्रिस ग्रीन के पीछे भी आरसीबी पूरी तरीके से भागने वाले। क्रिस ग्रीन भी आईपीएल ऑक्शन के लिए पूरा नाम अपना दे चुके हैं और ऐसे में क्रिस ग्रीन के पीछे भी आरसीबी पूरी तरीके से यहाँ पे भागने वाली है। और गाइस अगर हम बात करें क्रिस ग्रीन की तो गाइस अभी क्रिस ग्रीन सीपीएल में आए थे, मैंने इनको जो कि सीपीएल में पहली बार देखा एंड गाइस काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं ऐसा ऑलराउंडर, तो इनके पीछे भी आरसीबी जरूर पड़ना चाहेंगी एंड इनके पीछे भी इस साल गाइस आप लोग मान के चलते हो 3 से 4 करोड़ रुपये इनके ऊपर भी इन्वेस्ट होने वाला है। तो गाइस ये रहे टॉप 5 प्लेयर जो कि पूरी तरीके से आरसीबी इनके पीछे पड़ने वाली है। और गाइस यहाँ पे ये 5 प्लेयर अगर आरसीबी में आते हैं तो गाइस यहाँ पे आरसीबी का जो किस्मत है वो पूरी तरह से हमें बदलते हुए नजर आ सकता है। तो इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को कीजिए लाइक शेयर और हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब।